स्मार्ट वॉचेस भाई ट्रेंड करी आज की डेट में, जिसे देखो स्मार्ट वॉच लॉन्च कर रहा है। ट्रूक ने भी अपनी वॉच लॉन्च कर दी है, ट्रूक होराइजन, और ये हमारी 2999 यानी कि 3000 रुपए की स्मार्ट वॉच है विद जीपीएस। मतलब देख रहे हो तरक्की, 3000 रुपए में जीपीएस। अब ये 3000 रुपए में कितना खुद को जस्टिफाई करती है, किसके जो फीचर्स हैं या इसका यूआई है या इसका बिल्ड है, जो भी है मतलब वॉच में जो भी होता है, तो वो लेने लायक है या नहीं? डब्बा सर खोल लेते हैं सर। तो ये रहा हमारा बॉक्स, एक वॉच निकल जाती है, एक चार्जर निकल जाता है, काफी इंटरेस्टिंग है भाई, बड़ा बड़ा सा, एक वारंटी कार्ड और एक हमारी यूजर मैनुअल। अब जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो यूजर मैनुअल का क्या काम, मैं बताऊंगा सारी चीजें तुम्हें एकदम इन डिटेल। पेयरिंग से पहले आपको ये एप्लीकेशन चाहिए होगी एफिट करके, जो आप ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको ऐप से कनेक्ट कर लिया, और ऐप से कनेक्ट करते हैं हमारे को एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिल गया। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, नीचे से यहाँ से हमारे को प्लास्टिक मिल जाता है, और ये ऊपर का जो फ्रेम है ये हमारे को मेटल का मिल जाएगा, और कर्व्ड ग्लास हमारे को यहाँ पे मिलता है, और साइड में जो स्ट्रैप है हमारे को सिलिकॉन की स्ट्रैप मिल जाएगी, और क्वालिटी काफी बढ़िया है स्ट्रैप की। और यहाँ पे स्ट्रैप जो हमारे को रिमूवेबल नहीं मिलेंगी, स्क्रूड स्ट्रैप लगी है इसके अंदर, जो मतलब अटैच्ड है, ये जो इसके साथ आएंगे बस आपको यही यूज करनी पड़ेगी, आप दूसरी नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमारे को फिजिकल बटन मिल जाता है, और पीछे हमारे को चार्जिंग पिन के स्लॉट मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमारे सारे सेंसर्स हैं। तो अगर वॉच की बिल्ड क्वालिटी को कंक्लूड करूं, बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है स्मार्ट वॉच के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं की फीचर्स के बारे में। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 हमारे को इसके अंदर मिल जाता है, IP68 वाटरप्रूफ हमारे को मिलती है, 2999 3000 के रेट में IP68, तो भाई ये काफी बढ़िया चीज है। तो आप 1.5 मीटर तक सबमर्ज करके रख सकते हो पानी में, और ज्यादा देर तक नहीं, 30 मिनट तक, उसके बाद खराब होने के चांसेस हैं, वैसे वो डिपेंड करता है किस्मत के ऊपर आपकी, तो मतलब बताना था बता दिया मैंने। कमिंग ऑन टू द डिस्प्ले पार्ट, 1.69 इंच की TFT डिस्प्ले हमारे को इसके अंदर मिलती है, 240x280 का रेजोल्यूशन है, और फुल टच डिस्प्ले। डिस्प्ले के बारे में पर्सनली बताना चाहूंगा, डिस्प्ले मेरे को ठीक लगी, मतलब एक TFT डिस्प्ले जैसी होती है। ब्राइटनेस भी यहाँ पे हमारे को अच्छी मिल जाती है, इंडोर में तो ऑब्वियसली अच्छी है, आउटडोर में आपको माइनर से शेड की रिक्वायरमेंट होगी, आउटडोर में भी मतलब आपको ठीक ठीक ब्राइटनेस मिल जाती है। बातों बातों में कंफर्ट तो चेक करा ही नहीं मैं, मतलब कर चुका हूँ, फिर भी आपको बता तो दूं कंफर्ट कैसा है। ऑन कैमरा फटाफट एकदम बढ़िया वर्ड्स आते निकल गए, कंफर्ट अच्छा है। इसका जो वेट है हमारा वो अप्रॉक्सीमेटली 45 ग्राम है, तो उसके हिसाब से कंफर्ट बढ़िया है, भारी नहीं लगती वॉच। जो भी हमारे वेयरेबल्स होते हैं ना या लाइफस्टाइल एक्सेसरीज होते हैं, इसके अंदर बैटरी बैकअप बहुत मैटर करता है। इसके अंदर हमारे को 300 mAh की बैटरी मिल जाती है, और इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 days का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, तो 3000 के हिसाब से बैटरी बैकअप भी काफी सही है। तो भाई ये तो वॉच के बारे में सारी बातचीत होगी। अब वॉच में सबसे ज्यादा मैटर करता है यूजर इंटरफेस, क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे यूजर इंटरफेस के अंदर, और कैसा यूजर इंटरफेस है वो आपको दिखाता हूं। तो यहां पे फ्रंट स्क्रीन हमारे को कुछ ऐसी मिल जाती है, अगर इसको स्वाइप डाउन करते हैं तो यहां पे नोटिफिकेशन हमारे को मिल जाएंगे सारे, और स्वाइप अप करते हैं तो हमारे को ये बेसिक सेटिंग मिल जाएगी, फ्लैश लाइट, लॉक की, वाइब्रेशन, डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लाइट मोड, एंड यहां पे सेटिंग मिल जाती है। सेटिंग के अंदर वॉच फेसेस, ब्राइटनेस वगैरह आपको मिल जाएगी। यहां पे वेक सेटिंग में मिल जाती है, रेस टू वेक का ऑप्शन यहां पे हमारे को मिल जाता है, जो अपनी रिस्ट को ट्विस्ट करते हैं वहां से हमारी स्क्रीन ऑन हो जाती है। ऑलवेज ऑन का भी ऑप्शन मिलता है, बट वो एमोलेड वाला नहीं है, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है। ऑलवेज ऑन का ऑप्शन रखते हैं ना तो बस ऐसी ही डिस्प्ले रहती है इसकी, जैसे यहां पे आपको दिख रही है। और यहां पे हमारे को स्क्रीन टाइम आउट भी मिल जाता है, मैक्सिमम 20 seconds तक हम यहां पे रख सकते हैं, और मिनिमम 5 seconds तक हमारे को यहां पे मिल जाता है। और उसके बाद यहां पे सिस्टम सेटिंग मिल जाएगी, QR कोड मिल जाएगा, डिवाइस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और एक चीज आपने नोटिस करी होगी, इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है, जो मेरे को फील हुई एनिमेशन होनी चाहिए थी वॉच के अंदर ना, जो भी ऐसे एनिमेशन होते हैं ना बहुत ही प्लेन सिंपल तरीके से मूव होता है इसके अंदर। तो अगर हम फिजिकल बटन को प्रेस करते हैं तो यहां पे हमारा मेन्यू मिल जाएगा, हमारे को 2 screen का मेन्यू है, और लेफ्ट स्वाइप करेंगे हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाएगी, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मिल जाती है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग आपको मिल जाएगी, स्लीप मॉनिटरिंग आपको यहां पे मिल जाती है, वेदर ये आपको शो कर देगा, ये फोन से कनेक्ट होने के बाद शो करता है, और यहां पे म्यूजिक ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आप म्यूजिक वगैरह चेंज कर सकते हो अपने फोन का अपने वॉच के थ्रू। और यहां पे हमारी एक्टिविटीज वगैरह शो कर रहा है, जो भी स्टेप्स वगैरह या जो भी चीजें होती हैं वो सब यहां पे हमारी कैलिब्रेट हो जाती है। और यहां पे हम फिजिकल बटन दबाते हैं, ये हमारा मेन्यू खुल गया। यहां पे हमारे को स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, इसके अंदर हमारे को 14 स्पोर्ट्स मोड मिलता है, आप अपने सामने सारे स्पोर्ट्स मोड देख सकते हो यहां पे। तो जो हमारे स्पोर्ट्स मोड होते हैं इसी के अंदर हमारा GPS काम आता है, जो हमारी एक्चुअल ट्रैकिंग होती है ना, जैसे मैंने इसके अंदर वॉकिंग और रनिंग ट्राई किया था, उसके अंदर हमारे GPS के थ्रू जो हमारी ट्रैकिंग है, हमारे फुटस्टेप्स और हमारे डिस्टेंस वो बिल्कुल एक्यूरेटली ट्रैक कर रहा था, तो जो हमारा GPS है वो यहीं पे काम आता है। सेकंड नंबर पे हमारे को यहाँ पे ट्रैकिंग मिल जाएगी सारे वर्कआउट्स की, थर्ड नंबर पे हमारे को यहाँ पे एक्टिविटी मिल जाती है, जो जो हमारी एक्टिविटीज है, यहाँ पे हमारे को स्लीप मॉनिटरिंग मिल जाती है, यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाती है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग यहाँ पे मिल जाती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मिल जाती है, वही बाहर वाले जो ऑप्शन है वो मिलते हैं यहाँ पे, स्टॉप वॉच हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी, टाइमर यहाँ पे हमारे को मिल जाता है, और म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, वेदर का मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे फाइंड फोन का भी ऑप्शन है, तो जैसे हम यहाँ पे टैप करेंगे तो हमारे फोन में आवाज आने लगती है। फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे वॉच फेसेस है हमारे जो हम चेंज कर सकते हैं, ये हम बाहर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी मेन सेटिंग्स होगी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, और वॉच फेसेस है यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे, यहाँ पे हम अपने वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर हमारे भी वॉच फेसेस इंस्टॉल्ड है। और वॉच फेसेस से ज्यादा इसके अंदर हम कस्टम वॉच फेसेस भी लगा सकते हैं इसकी ऐप UI के थ्रू,
आपको ऐप का इंटरफेस दिखा दूं। तो यहाँ पे हमारे इंटरफेस आ गया, पहले पेज पे सारा डेटा आपका दिखा देगा, एचआर, स्लीप और ये सब का। अभी मैंने वॉच आज पहनी नहीं है तो आज का डेटा नहीं दिखा रहा यहाँ पे, और ये सिंक होता रहता अपने आप। 99% बैटरी दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे डायल सेंटर आ जाते हैं जो हमारे वॉच फेसेस हैं। यहाँ पे हमारे को 100 से भी ज्यादा वॉच फेसेस मिल जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी है, पॉइंटर, सिंप्लिसिटी, बिजनेस अफेयर्स करके, डैजल कलर करके। और यहाँ पे आ जाता है हमारा कस्टम वॉच फेस, जो यहाँ से हम अपनी फोटो यूज कर सकते हैं अपनी गैलरी से, गैलरी मैंने खोलने वाला, और अलग अलग चीजें आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपने वॉच फेस में। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग्स मिल जाती है, कौन कौन से नोटिफिकेशन आपको चाहिए, और ये सारी एप्लीकेशन जो आप देख रहे हो ये मेरे फोन में नहीं है, ये सिर्फ इसी के अंदर दिखाता है, कहीं आप सोचो मैंने क्या क्या डाल रखा है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी आप ऑन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका हर 5 मिनट में आपका हार्ट रेट मॉनिटर करता रहेगा। फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, ये किसी काम का नहीं लगा मेरे को, क्योंकि ये जब क्लिक करते हैं ना तो वॉच हमारी वाइब्रेट होने लगती है, तो घर में इधर उधर रखी होगी तो सिर्फ वाइब्रेट करेगी, इसका कुछ फायदा तो है नहीं, स्पीकर नहीं है ना इसके अंदर। और यहाँ पे मोर सेटिंग्स जाते हैं, यहाँ पे वेदर मिल जाता है, वेयर पोजीशनिंग आप कौन सी रखने वाले हो, फर्मवेयर अपग्रेड और बाकी सेटिंग्स आप अपने सामने देख सकते हो। कमिंग ऑन टू द क्रूशियल पार्ट, सेंसर्स एंड देयर एक्यूरेसी। इसके सेंसर्स काफी हद तक एक्यूरेट है, क्योंकि जब मैंने हाथ पे पहन के इसको ट्रैक किया तभी इसकी रीडिंग आई, हाथ के ऊपर नहीं रखते तो कोई रीडिंग नोट नहीं करते, तो मतलब लिविंग थिंग की ही रीडिंग रखते हैं। बट स्टिल मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई वॉचेस के सेंसर पे मत रिलाय करना, क्योंकि जान की बात है आप देखते रहो, हाँ भाई मेरा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़िया है, ब्लड ऑक्सीजन बढ़िया है, और अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा हो तो दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए मेडिकल इक्विपमेंट है तो वही ठीक है, वॉच भी ठीक है, बस समझ गए ना तुम। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू ट्रूक होराइजन का। भाई वैसे तो वॉच 3000 रुपीज में काफी अच्छे खासे फीचर ऑफर करती है, मेरे को इसके अंदर सिर्फ एक कॉन लगा, वो है इसका यूआई थोड़ा सा मतलब प्लेन और सिंपल सा लगा, हैंग नहीं करता यूआई, बहुत स्मूथ है चलने में, बट एनिमेशन नहीं होती ना तो ऐसा ना एकदम प्लेन और सिंपल सी फीलिंग आती है। बाकी ओवरऑल लुक्स काफी बढ़िया है, फीचर्स भी आपको काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको 14 स्पोर्ट्स बोर्ड मिल रहा है, जीपीएस मिल रहा है, और 3000 रुपये में क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे यार, मतलब बढ़िया है वॉच, आप कंसिडर कर सकते हो 3000 रुपये के रेट में। बट हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि इस प्राइस रेंज में और भी वॉचेज या फिर कोई भी गैजेट की आप वीडियो देखते हो, सारी चीजें देख के तभी अपना बाइंग डिसीजन बनाना। और पता क्या करना आपको, लाइक मारना सर वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। कैसी लगी वॉच कॉमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।